ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी दोस्तों को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही ज्यादा पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि पूरी सृष्टि का भार महादेव जी के हाथों में होता है, और जो भी महादेव जी को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लेते हैं, मेरे देवादिदेव महादेव उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने महाशिवरात्रि, जो कि सावन की शिवरात्रि आई थी, उसकी पूजा बहुत अच्छे से को होगी। लेकिन अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। परंतु दोस्तों, उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, देखें, इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे महाउपाय बताने वाला हूँ जो कि न सिर्फ आपकी सारी मनोकामना की पूर्ति करेंगे, आपके घर को खुशियों से भर देंगे। और दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको दूसरा उपाय जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, आप पहला सुने न सुने, लेकिन दूसरा उपाय आप जरूर सुनिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। दोस्तों, दूसरा उपाय ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। दोस्तों देखें, पहला वाला जो उपाय है ना, वो है अगर आपके घर में धन वैभव संपदा की बहुत ज्यादा कमी है, या आपकी कोई इज्जत नहीं करता है, कोई हमें कुछ समझता ही नहीं है। दोस्तों, उन सब लोगों के लिए ये वाला उपाय बहुत ही अचूक है। जो भी कष्ट होंगे, जीवन के सारे खत्म जरूर हो जाएंगे। इस वाले उपाय के लिए आपको करना क्या होगा, दोस्तों, मात्र आपको एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है। दोस्तों, लोटा तांबे का होना चाहिए, और इसके बाद में आपको एक दीपक तैयार करना होगा। ये दीपक मिट्टी का होगा। दीपक में गाय माता का घी भरना है, और जो बत्ती लगाओगे वो गोल बत्ती होनी चाहिए। दोस्तों, इस तरीके से दीपक तैयार कर लेना। इसी के साथ आपको चाहिए होंगे थोड़े से चावल, चावल के साथ दाने होने चाहिए। दोस्तों, चावल अक्षत होने चाहिए। अक्षत का मतलब क्या है, जो खंडित ना हो ऐसे चावल चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों। और थोड़ा सा गाय का घी ले लेना है। अलग से आपने दीपक के अंदर जो डाला है वो अलग है, ये वाला आपको थोड़ा सा ले लेना है। दोस्तों, बस एक चुटकी लेना है, ज्यादा नहीं चाहिए। दोस्तों, और एक चुटकी आपको ले लेना होगा लाल चंदन, पिसा हुआ लाल चंदन आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लोटा जल हो गया, एक दीपक हो गया जो आपने तैयार किया था, उसी के बाद में सात चावल के दाने, थोड़ा सा गाय माता का घी और लाल चंदन। दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचाना है महादेव जी के मंदिर के शिवलिंग के पास। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस वाले उपाय को करने का समय नहीं है। आप सुबह करना चाहो तो सुबह, शाम को करना चाहो तो शाम को, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, किसी भी समय आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। दोस्तों, ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे करना है ये वाला उपाय। तो देखिए, सावन का महीना चल रहा है, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना। आपको इस सावन के महीने में टोटल मिलाकर के तीन बार इस उपाय को जरूर करना होगा। आपके घर के जो भी दुख होंगे वो खत्म होगा, आपका घर धन धान्य से भरेगा, किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं रहेगी। देखिए करना कैसे होगा। आपको सबसे पहले तो जो आपने दीपक तैयार किया है ना, उस दीपक को आपको प्रज्वलित करके कहां पर लगा देना होगा, जस जलाधारी के नीचे, जहां से जल टपकता है ना, उस जगह के आसपास आपको लगा देना होगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ खिसका देना, क्योंकि जब आप जल समर्पित करेंगे तो ये बुझ जाएगा। आप चाहो तो शिवलिंग के थोड़ा सा साइड में लगा देना, या फिर मंदिर की चौखट पर भी आप इसे रख सकते हो। मंदिर की चौखट पर सबसे पहले दीपक लगा देना। दीपक लगा देने के बाद जैसे ही आप शिवलिंग के पास में आओगे तो आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है, और एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। ठीक, ये दूसरा काम हो गया। अब जो तीसरा काम सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनिए। आपने जो थोड़ा सा लाल चंदन लिया है ना, इस लाल चंदन को ले लेना, और साथ ही साथ थोड़ा सा ले लेना गाय माता का घी। इन दोनों को मिलाना, और इन दोनों को मिलाने के बाद ध्यान से सुनना दोस्तों, इन दोनों को मिलाने के बाद में जो पेस्ट बनेगा, आपको अपने दाहिने हाथ की सीधे हाथ की राइट हैंड की तीनों उंगलियां होती है, लास्ट की छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़कर के बीच की तीनों उंगलियां बची है,
इन तीनों उंगलियों को इस लाल चंदन और घी वाले घोल में आपको डालनी है। इन पर ये पेस्ट लगा लेना है अच्छे से और माता अशोक सुंदरी का स्थान पर आपको ओम लिखना है। क्या लिखना है? ओम लिखना है और आपको तीनों उंगलियां यहीं पर स्पर्श करते हुए, जब आप बिंदी बना रहे हो ना, तो आपको अपनी जो भी कामना है वो आपको माता अशोक सुंदरी मैया से कह देना है और उनसे विनती करना कि वह महादेव जी से ऐसा कहे कि हमारी सारी की सारी समस्याओं को हल जरूर करें। तो दोस्तों, जो व्यक्ति 2 से 3 बार इस उपाय को कर लेता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरे देवाधिदेव महादेव जी का इतना अचूक तत्व है, लेकिन अभी तक उपाय खत्म नहीं हुआ है। ध्यान से सुनना, जो 7 चावल लिए है वो जब आप यहाँ पर उपाय करने के बाद में बाहर निकल रहे होंगे, तो जाते समय पर जो आपने दीपक लगाया है ना, उस दीपक में आपको वो 7 के 7 चावल डालने होंगे। अपनी कामना कहते हुए जाते समय आपको ये 7 चावल दीपक के अंदर डाल देना है। आपकी कोई भी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। घर में धन संपदा हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है वो सिर्फ रविवार के दिन किया जाता है। पहले वाले उपाय को तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन ये जो उपाय है इसे सिर्फ रविवार को ही करना है। दोस्तों, मैं सबसे अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दोस्तों, आप 1 हफ्ते करोगे ना यह उपाय, तो अगले हफ्ते से, अगले रविवार से आपके पास में धन की आवक आना शुरुआत हो जाएगी। आपके सारे जो भी दुख दर्द है, धन से संबंधित जो भी समस्या है, वह खत्म जरूर होगी। रविवार के दिन आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? दोस्तों, आपको लेना होगा 1 तांबे का लोटा। इसके अंदर आपको क्या क्या डालना है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर आपको डालना होगा थोड़ा सा गुड़। आप चाहो तो गुड़ का 1 टुकड़ा आप ले लीजिए, छोटा सा, ज्यादा बड़ा है तो उसका छोटा सा टुकड़ा लेना और इस लोटे के अंदर डाल देना। उसके बाद में आपको लेने होंगे चुटकी भर चावल और इसी के अंदर चावल भी डाल देना। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो आपको चीज डालनी होगी वो आपको डालना होगा कोई भी 1 लाल पुष्प। आप जो चाहे वो वाला लाल पुष्प ले सकते हैं, लेकिन लाल पुष्प ही लेना है और उसको भी इसी लोटे के अंदर डाल देना है। दोस्तों, सबसे अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है लाल मिर्ची के दाने। आपको 11 लाल मिर्ची के दाने लेना है और इनको भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना होगा और बाकी के लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। अब रविवार के दिन जब आप सुबह सुबह नहा धो लो, सब कुछ कर लो, तो आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना होगा इसी वाले लोटे से। लेकिन ध्यान रखना, आपका जो मुंह है वह कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वह सूर्य देव की तरफ में हो और आपका जो हाथ है वह आपके सर से लगभग कितना ऊपर होना चाहिए, 8 इंच ऊपर होना चाहिए और आपको इसी वाले जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य देना होगा। ओम भूमि सूर्याय नमः का स्मरण करते हुए, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो जल है ना, जब नीचे की तरफ में गिरे तो यह उछल करके आपके पैरों पर ना गिरे, इसलिए कोशिश करना के इस तरीके से जल समर्पित करें कि वह पैरों पर ना आए। और ओम भूमि सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते रहना है सूर्य की ओर देखते हुए। इस तरीके से नासिका और जो मुख है वह आपकी सूर्य की दिशा में होना चाहिए। अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय है। जो व्यक्ति रविवार के दिन इस उपाय को करता है उसको धन की कभी भी उसके जीवन में कमी नहीं रहती है। वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बहुत सी जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद आपका महाकाल भक्त।